तो आपको ऋतिक रोशन का तो मालूम है, कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की टेस्ट बनी सुनी? काफी कम लोगों ने सुना है, बाकी लोगों को नहीं मालूम ऋतिक रोशन का। या ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी, वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को, 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा, शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल। भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। आप क्या तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई। यार मेरे मन में आया प्रेयर करो, मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया। बोले यार कुछ अच्छा लग रहा, फिर कर। और फिर किया, सीधा हो गया वो, 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं, ये कैसा हो गया। मेरे को भी अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे उस फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की फर्स्ट फिल्म कहो, मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे हैं तो वहां बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन उसके डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतनी इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे साला सूजन है, और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, ऐसे ही है, और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार, इतना भी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ जरा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ, और फट से उसने बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। और बोले हाँ, वो जीजस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूंगा, अभी अपना बच्चा है यार। ए ऋतिक इधर किधर, तो किधर कहते हैं कौन से लीवर किधर है, क्या है इधर सुजान इधर को। अच्छा आतकाल इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो इन द नेम ऑफ जीसस सुजान जा। मैंने बोला देखिए उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है, फेथ फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं, फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था, यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरा हाथ लगाना टोटल, देखिए विश्वास धड़क। वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई, और उसकी बॉडी देखो,